एवरी वन वेलकम बैक एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन नोट जेस सीरीज और इस वीडियो से हम एक बेसिक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज अ ब्लॉगिंग एप्लीकेशन तो इस पर्टिकुलर ब्लॉगिंग एप्लीकेशन के अंदर सारे वो कट फीचर्स होंगे दैट यू कैन एक्सपेक्ट लाइक ब्लॉग क्रिएशन ब्लॉग डीड कमेंट्स एंड एवरीथिंग ओके ना वट इज द मोटिव बिहान दिस बेसिक एप्पलिकेशन बिकॉज ब्लॉग एप्लीकेशन एवरी वन इज क्रिएटिंग राइट तो ब्लॉग एप्लीकेशन का ये मोटिव रहेगा दैट हम सब फैमिलियर हैं दैट एक ब्लॉगिंग एप्लीकेशन वर्क कैसे करता है राइट सो दैट इज द बेस्ट एक्साम्पल टू शो इन अर्जेज सीरीज एंड हम इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने वाले हैं। हम इस प्रोजेक्ट को होस्ट करेंगे हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर बेस्ट प्रैक्टिस इसका यूज़ करने वाले सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि तुम भी मेरे साथ इस प्रोजेक्ट को कोड अलॉन्ग करो हम बहुत सारी न्यू चीज़ें सीखने वाले हैं वैल दिस प्रोजेक्ट सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो सो हेयर आई हाब आएम टी प्रोजेक्ट राइट तो यहाँ पर सबसे पहला का हम कहट दैट इज एन बी एम एनिट सो एन बी एम एनिट करेंगे सो द पैकेज ने इस यूट्यूब ब्लॉग राइट एंड आई कैन जैसे एंटर 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 एंड माई क्रिएटेड। सो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा दैट मुझे एक इंडेक्स डॉट जी एस फाइल बनाना है एंड आई हैव टू डू एन पी एम इंस्टॉल एक्सप्रेस राइट तो एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर लेते हैं सो वंस द एक्सप्रेस इज इंस्टॉल तो हाँ इसमें हम सर्वर साइड एंट्रिंग यूज करेंगे यूजिंग ई जी एस ओके सो हमारे फोल्डर्स बना लेते हैं सो so, फोल्डर्स होंगे राउट्स एंड उसके बाद हमारे पास होगा कंट्रोलर्स ओके सो कंट्रोल एंड हमारे पास होगा व्यूज करेक्ट एंड हमारे पास क्या होगा मॉडल्स बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज़ मोंगो डेबी एंड ओके सो दैट्स इट राइट एंड ओके सो यहाँ पर हमें सबसे पहले इंस्टॉल करना होगा ई जे एस बिकॉज वी आर यूजिंग सर्वर साइड रेंडरिंग तो यहाँ पे पहले इनिशलाइज कर लेते हैं दट कॉन्स्ट एक्सप्रेस एक रिक्वायर एक्सप्रेस राइट एंड उसके बाद हम क्या कर सकते हैं हम एक ऐप का इंस्टेंस बनाएंगे ओके okay? आप इक्वल टू एक्सप्रेस नाउ सबसे पहले चीज दैट इज़ एन्वायरमेंट वेरिएबल्स ओके अब जैसे हम यहाँ पर अभी तक क्या कर रहे थे हम यहाँ पर लिखते हैं पोर्ट इक्वल्स एट थाउजेंड राइट अब यहाँ पर अगर मैं पोर्ट एट थाउजेंड लिखता हूँ एंड आई डू अब डॉट लेसन ऑन पोर्ट तो यहाँ पर क्या होता था दैट ऑटोमेटिकली मेरा जो सर्वर था वो एट थाउजेंड पोर्ट के ऊपर स्टार्ट हो जाता था राइट right? लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता बिकॉज रियल वर्ल्ड में जब तुम इसको डिप्लॉय करते हो किसी और के क्लाउड कंप्यूटर पर तो वहाँ पर ये एट थाउजेंड पोर्ट अवेलेबल हो भी सकता नहीं भी राइट सो दैट मीन्स यू कै नॉट चूज़ कि तुम्हें किस पोर्ट के ऊपर रन करना है तो उस चीज को कैसे हैंडल किया जाता है उस चीज को हैंडल किया जाता है ई वेरिएबल्स को यूज करके तो वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट सो स्टेट लेसन ऑन दिस पोर्ट राइट एंड यहां पर एक कॉल बैक फंक्शन सो आल से कंसोल डॉट लॉग एंड से सर्व स्टार्ट एट पोर्ट एंड उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे हम यहाँ पर पोर्ट को प्रिंट कर देंगे राइट right? तो इससे मुझे पता लग जाएगा दैट मेरा जो सर्वर है वो स्टार्ट हो चुका है राइट right? अब थोड़ी सी कॉन्फिग्रेशन थोड़े से मिडल वेयर सो आयल से आप डॉट सेट तो पहले व्यू इंजन सेट कर लेते हैं so, सो हमारा जो व्यू इंजन होने वाला है वो होने वाला है ई करेक्ट एंड उसके बाद हमारा जो व्यूज़ होने वाले हैं तो उसका हम पाथ देते हैं सो आप डॉट सेट तो व्यूज़ फोल्डर को सेट कर लेते हैं सो व्यूज़ फोल्डर को सेट करने के लिए हमें एक मॉड्यूल का जरूरत होगा दैट इज़ पाथ ओके सो पाथ इक्वल्स रिक्वायर रिक्वायर पाथ एंड हम यहाँ पर बोलेंगे पाथ डॉट रिजॉल्व एंड डॉट स्लैश व्यूज राइट तो ये पार्ट ये पार्ट भी इंसॉर्टेंट राइट right? तो यहाँ पर हमारे राउट्स आ जाएंगे एंड दैट इज़ ऑल राइट अब एक काम करते हैं पहले व्यूज़ को सेटअप कर लेते हैं सो so, व्यूज़ को सेटअप करना बहुत ईजी है अब व्यूज़ के अंदर सबसे पहले एक होम डॉट ई जी एस बनाते हैं ओके होम डॉट ई जी एस अब अगर हम एक होम uh, पेज की बात करते हैं तो हमारा जो ब्लॉगिंग एप्लीकेशन है हम क्या चाहते हैं दैट हम अपने होम पेज पे सारे ब्लॉग्स दिखाएंगे एज अ कार्ड राइट अब जब तुम एक वेब पेज की बात करते हो तो उसमें बहुत सारे ना कॉमन कॉम्पोनेंट्स होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल नाव बार नाव बार हर एक स्क्रीन पे होता है सिमिलरली फुटर हर एक स्क्रीन पे होता है तो उसके लिए हमारे पास एक फ़ीचर होता है ई के अंदर दैट इज नोन एज पार्शल्स तो उसको भी हम देखने वाले हैं अभी तो यहाँ पे पहले बॉयलर प्लेट कोड लिखेंगे एंड आई से होम पेज ठीक है तो अब यहाँ पर लेटस्ट से दैट मुझे यहाँ पर बूट श्राप को इंक्लूड करना है ओके okay? तो बूट श्राप को इंक्लूड करना इज रियली सिंपल यू कैन गो टू दिस वेबसाइट दैट इज़ बूट श्राफ डॉट गेट बूट श्राफ डॉट कॉम तो यहाँ पर हम क्या करेंगे हम यहाँ पर सी को कॉपी कर लेते हैं तो यहाँ पर यू कैन पेस्ट दिस सी राइट तो ये मेरा बूट का सी एस एस सी है सिमिलरली so, हम यहाँ पर स्क्रिप्ट को भी कॉपी कर लेते हैं एंड मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट को एट दी एंड पेस्ट कर दूंगा तो इससे होगा क्या दैट मेरा जो बूट है वो इस पर्टिकुलर पेज के लिए वर्क करना स्टार्ट कर देगा नाउ दी प्रॉब्लम इज दैट जैसे जैसे हमारा एप्लीकेशन ग्रो करेगा हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे पेजज होंगे राइट एंड हर एक पेज के अंदर इस पर्टिकुलर कोड को रिपीट करना इज़ नॉट अ गुड थिंग राइट तो उसके लिए हम क्या करते हैं हम व्यूज़ के अंदर एक फोल्डर बनाते हैं पार्शल्स पार्शल्स इज़ लाइक यू नो कॉम्पोनेंट्स छोटे छोटे कॉम्पोनेट्स तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पर एक पार्शल uh, बना सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल हेड डॉट ई जे एस ठीक है तो ये क्या एक पार्शल है इसके अंदर वॉट वॉट आई विल डू मैं यहाँ पर ये यह, जितना भी कोड है इसको कट कर लेता हूँ ठीक है तो ये सारा जो कोड है ये बेसिकली कॉमन रहने वाला है थ्रू आउट द पेजेस तो इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं राइट right? तो ये मेरा वो कोड यहाँ पर आ चुका है सिमिलरली मैं यहाँ पर एक पार्सल बना सकता हूँ दैट इज़ स्क्रिप्ट डॉट जे एस जितनी भी स्क्रिप्ट हम लोड करेंगे तो वो हम इसके अंदर डाल देंगे ओके okay? तो वो हम क्या करेंगे स्क्रिप्ट डॉट नॉट जे एस डॉट ई जे एस ठीक है इसके अंदर तो डाल देंगे अब हम क्या कर सकते हैं हम उनका रेफरेंस यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं हाउ आई कैन से दिस वन ओके सो ये सो एल से दैट इंक्लूड तो हमारे पास एक इंक्लूड फंक्शन होता है इंक्लूड के अंदर हम क्या देंगे पाथ देंगे दैट इज़ पार्शल्स स्लैश हेड ठीक है तो इससे क्या होगा ये क्या करेगा ये पर्टिकुलर फंक्शन ये ना इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जाएगा दैट इज़ पार्शल्स हेड एंड जो भी यहाँ पर कोल्ड है ना उसको यहाँ पर ले आएगा तो इससे क्या होगा दैट जितने भी मेरे आने वाले पेजेस बनेंगे तो बस मुझे क्या करना है मुझे इस पर्टिकुलर लाइन को कॉपी पेस्ट करना है करेक्ट एंड सिमिलरली हम यहाँ पर क्या करेंगे हम यहाँ पर स्क्रिप्ट को भी लोड कर लेंगे ठीक है तो इसको एक बार चला के देख लेते हैं सो इफ़ इट इज़ वर्किंग गुड तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पर एक राउट बनाना है आप डॉट गेट सो अगर तुम स्लैश राउट के ऊपर रिक्वेस्ट uh, करते हो सो आई से रिस्पॉन्स डॉट रेंडर और हम यहाँ पर होम पेज को रेंडर कर देंगे करेक्ट होम डन अब पैके शॉर्ट सीजन पे चलते हैं तो यहाँ पर हमें एक डिपेंडेंसी चाहिए दैट इज़ नोन एस नोड मॉन क्यों चाहिए बिकॉज हम नहीं चाहते कि हर चेंज uh, पे हमें रिस्टार्ट करना पड़े अब यहाँ पर एक न्यू चीज़ बताता हूँ इफ़ यू डू एन एन पी एम इंस्टॉल नोड मॉन तो तुम यहाँ पर एक डिपेंडेंसी एक बेसिकली uh, यहाँ पर तुम एक फ्लैग पास कर सकते हो माइनस कैपिटल डी ओके मैं जूम करके दिखाता हूँ सो वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस कैपिटल डी जैसे मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पर तुम एक स्ट्रेंज बिहेवियर देखना तो यहाँ पर एक डेव डिपेंडेंसीज करके एक की बनती है जिसमें मेरा नोटबॉन आ चुका है ना वॉट इज दिस डेव डिपेंडेंसी डेव डिपेंडेंसीज वो डिपेंडेंसीज होते हैं जो हमें सिर्फ डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में जरूरत होती है जैसे अभी हम डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में अभी हम डेवलप कर रहे हैं जब हम प्रोडक्शन पर जाएंगे हमें ऑब्वियसली नोटबॉन की जरूरत नहीं है बिकॉज मुझे वहाँ पर सर्वर को बार बार रिस्टार्ट नहीं करना इससे क्या होता है तुम्हारा जो मॉड्यूल का साइज़ है ना वो कम हो जाता है तो दैट मीन्स डेवलपमेंट में तो मैं ई जे एस को भी इंस्टॉल करूंगा एक्सप्रेस को भी इंस्टॉल करूंगा नोटबॉन को भी इंस्टॉल करूंगा लेकिन जब हम इसको डिप्लॉय करेंगे तो डेव डिपेंडेंसीज इंस्टॉल नहीं होंगी तो उससे क्या होगा हमारा जो प्रोजेक्ट का साइज है वो छोटा रहेगा विच इज़ अ गुड थिंग तो हम यहाँ पर एक डिपेंडेंसी uh, बना एक यहाँ पर स्क्रिप्ट बनाएंगे डेव तो ये डेव क्या करेगा ये बेसिकली बोलेगा नोड मॉन इंडेक्स डॉट जी एस राइट तो अब हम यहाँ पर बोल सकते हैं एन पी एम रन डेव तो इससे क्या होगा मेरा जो नोड मॉन है वो स्टार्ट हो जाएगा तो सिमिलरली हम यहाँ पर एक स्टार्ट स्क्रिप्ट भी बना सकते हैं तो स्टार्ट स्क्रिप्ट में यू कैन एज्यूम दैट ये वाली जो स्क्रिप्ट है ये प्रोडक्शन वर्ल्ड पे चलेगी जब हम इसको डिप्लॉय करेंगे तो वहाँ पर हम सिर्फ नो डॉट इंडेक्स डॉट जी करेंगे बिकॉज वहाँ पर हमें अपने सर्वर को रिस्टार्ट नहीं करना करेक्ट सो दिस पार्ट इज गुड सो लेट्स डू वन थिंग हमारे आपको रन करके देखते हैं सो एल से लोकल होस्ट एट थाउजेंड तो जैसे एंटर करूंगा सो यू आर गेटिंग दिस सेमी कॉलन राइट तो ये एक सेमी कॉलन आ रहा है सो दैट मीन्स हमने कुछ गलती किया ओके okay? तो अगर हम अपना हेड देखते हैं तो हेड इज़ वर्किंग गुड राइट स्क्रिप्ट के अंदर कुछ गलती है सो लेट्स गो टू आर पार्शल्स तो इसको थोड़ा जूमआउट करने कर लेते हैं तो स्क्रिप्ट के अंदर हमने गलती से ये लगा दिया था सो वी कैन रिमूव दिस थिंग ठीक है अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं अगर मैं यहाँ पर अपना पेज सोर्स ओपन करता हूँ ध्यान तो से देखो क्या हुआ हेड के ऊपर ये सारी स्क्रिप्ट आ चुकी हैं एंड यहाँ पर एक स्क्रिप्ट आ चुकी है तो ये कहाँ से लोड हुई अगर हम अपना होम डॉट ई खोलते हैं तो ये जो पर्टिकुलर इंक्लूड है ये क्या करता है ऑटोमेटिकली वो कोड को यहाँ पर ले आता है राइट सो दिस पार्ट इज़ ऑल्सो गुड तो पहले डिज़ाइन करते हैं हम अपने होम पेज को ओके okay, तो पहले होम पेज को डिज़ाइन करते हैं सो so मैं बूट श्राप के कॉम्पोनेंट यूज़ करूँगा सो बूट श्रॉप एंड आई कैन गो टू डॉक्यूमेंटेशन तो डॉक्यूमेंटेशन में सर्च करते हैं नाव ओके सो नाव तो ये है बूट श्राप का नेविगेशन दैट वी आर गोइंग टू यूज़ तो विच वन वी शुड यूज़ सो आई थिंक ये वाला गुड है राइट right? तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे हम एक पार्सल बनाएंगे बिकॉज नेविगेशन बार हर जगह होता है ओके okay? तो उसको कॉपी कर लेते हैं या फिर एक ड्रॉप डाउन वाला लेते हैं बिकॉज दिस वन राइट सो इसको कॉपी कर लेते हैं एंड हम यहाँ पर पार्सल्स के अंदर एक बनाएंगे नाव डॉट ई जे एस ठीक है तो ये हमारा नाविगेशन बार है इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एंड होम पेज पर जाके हम क्या करेंगे हम सबसे पहले नाव को इंक्लूड कर लेते हैं सो सोल से तो इसको कॉपी कर लेते हैं कॉपी एंड इसको पेस्ट एंड यहाँ पर मैं बोलूँगा नाव तो इससे क्या होगा मेरा नाविगेशन बार अपीयर हो जाएगा सो दिस इज़ आर नाविगेशन बार राइट एंड इसको मुझे डार्क मोड के अंदर चाहिए सो हाउ वी कैन डू दिस डार्क सो यहाँ पर हम बैकग्राउंड डार्क लगा सकते हैं राइट सो इसको कॉपी कर लें ठीक है so तो इसको डार्क करते हैं तो ईजिए हम नाव में जाएंगे नाफ एंड मैं यहाँ पर क्या करूँगा मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा एंड इस चीज़ को हटा देते हैं राइट तो इससे मेरा जो नाविगेशन बार है वो डार्क हो जाएगा सो दिस इज़ लुकिंग गुड राइट तो इसको थोड़ा सा चेंज uh, करते हैं तो नाव बार की जगह हम लिखेंगे ब्लॉगीफाई ठीक है तो ये हमारे एप्लीकेशन का नाम होने वाला है ब्लॉगीफाई एंड हमारे पास एक होम होगा राइट right? हमारे पास एक होम होगा एंड अभी हमारे पास और कोई लिंक्स नहीं होंगे सो आई कैन जस्ट रिमूव दिस लिंक्स ठीक है सो यहाँ पर हम एक और बटन रखेंगे दैट इज एड ब्लॉग ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास एक बटन होगा एड ब्लॉग एंड ये जो ड्रॉप डाउन लिंक है ये कुछ ऐसा दिखने वाला है दैट यहाँ पर एंड ये जो ड्रॉपडाउन लिंक है इसको मैं कुछ ऐसा बनाना चाहता हूँ दैट अगर करंट यूज़र पियूष गर्ग लॉग है तो उसका नाम यहाँ पर लिखाएगा जो भी करंट लॉगिन यूज़र है एंड ड्रॉपडाउन में हम उसको एक्शन दिखाएंगे फॉर एग्जाम्पल लॉग आउट राइट तो हमारे पास एक एक्शन होगा लॉग आउट का तो उससे यूज़र क्या कर सकता है लॉग आउट कर सकता है एंड अगर यूजर लॉग इन नहीं है तो हम उसको साइन इन एंड साइनअप का बटन दिखाएंगे करेक्ट? सो so, इस तरह का कुछ हमारा एप्लीकेशन दिखने वाला है तो एक काम करते हैं बैक में चलते हैं एंड बैक में चीज़ों को डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं ओके okay? तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मॉडल से तो मॉडल में हमारे पास होगा एक यूज़र डॉट जे ठीक है तो यूज़र को पहले कर लेते हैं अब बिकॉज हम मोंगो डी कर रहे हैं सो आई शुड इंस्टॉल मोंगूस ठीक है सो so, मोंगूस को इंस्टॉल कर लेते हैं सो एन पी एम इंस्टॉल मोंगूस एंड वेट फॉर द मोंगूस टू गेट इंस्टॉल्ड तो मोंगूज इंस्टॉल हो चुका है सो so, यहाँ पे हम बोलेंगे कॉस्ट ओके डी स्टॉक्चर इक्वल्स रिक्वायर तो यहाँ पे हम मोंगूज को रिक्वायर कर लेते हैं सो so, मोंगूज़ के अंदर मुझे पहले तो चाहिए स्कीमा राइट आई नीड स्कीमा तो स्कीमा मैंने इंपोर्ट किया सो एल्स ए कॉस्ट यूज़ अ स्कीमा इक्वल्स न्यू स्कीमा ठीक है तो ये स्कीमा आ चुका है तो यूजर का स्कीमा देखते हैं कैसा होगा एंड इस टाइम पे हम पासवर्ड को हैश वगैरह भी करेंगे सो दिस वीडियो इज इम्पॉर्टेंट ओके सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं देखो एक यूजर का पहले बात होगा एक फर्स्ट नेम सो यूज़र का लेट से हमारे पास एक फुल नेम होगा ओके सो यूज़र का फुल नेम सो फुल नेम होगा टाइप ऑफ स्ट्रिंग ओके टाइप होगा स्ट्रिंग एंड रिक्वायर्ड ट्रू सो रिक्वायर्ड ट्रू राइट फुल नीम एंड उसके बाद हम यूजर का ई मेल स्टोर करेंगे सो ई मेल भी क्या होगा स्ट्रेंग रिक्वायर्ड ट्रू एंड यूनिक भी हम क्या कर देंगे ट्रू सो दैट यूजर दो बार साइन अप ना कर पाए करेक्ट सिमिलरली हमारे पास एक ई मेल होगा हमारे पास एक पासवर्ड होगा नाउ सी हाउ द पासवर्ड वर्क सो पासवर्ड टाइप होगा स्ट्रेंग रिक्वायर्ड ट्रू अब जो पासवर्ड है ना उसको हम क्या करने वाले हैं उसको हम हैश करेंगे ओके हैश एंड हैश के लिए इफ़ यू नो दैट वी नीड समथिंग नोन एज यू नो अ सॉल्ट मतलब हम सॉल्ट एंड सॉल्ट एंड पेपर हैश करेंगे सो so, ये क्या होता है आई एल टेल यू इन अ मोमेंट सो लेट्स जस्ट यू नो बेयर विद मी कि हम यहाँ पर एक सॉल्ट रखेंगे तो सॉल्ट भी क्या होगा एक टाइप स्ट्रिंग होगा एंड रिक्वायर्ड क्या होगा ट्रू ओके सो हम पासवर्ड को हैश करने वाले हैं ओके एंड उसके बाद हमें और क्या चाहिए सो so, उसके बाद हम टाइम स्टाम्प्स को ट्रू कर देंगे सो एल से दैट टाइम स्टाम्प्स टाइम स्टाम्प्स टू बी ट्रू ठीक है एंड एक काम करते हैं प्रोफाइल इमेज भी रख लेते हैं सो प्रोफाइल इमेज यू ठीक है प्रोफाइल इमेज यू तो ये क्या होगा टाइप स्ट्रिंग ओके एंड वट इफ़ अगर यूज़र ने कोई प्रोफाइल फ़ोटो ही नहीं रखा वी शुड असाइन डिफॉल्ट फ़ोटो राइट तो एक काम करते हैं गूगल डॉट कॉम पर जाते हैं सो so यहाँ पर हम लिखेंगे दैट आवेट ओके यूज़र एवेट सो यूज़र एवेटार तो हम किस तरह की प्रोफाइल फ़ोटो हम असाइन कर सकते हैं हमारे यूज़र को तो वो उसको हम कुछ डाउनलोड uh, कर लेते हैं सो लेटर से हम ये वाली फोटो असाइन करेंगे अगर कोई भी यूजर बेसिकली अपने प्रोफाइल फोटो हमें नहीं देता तो हम इसको करेंगे सेव इमेज आस सो so, यहाँ पे मैंने इमेज को डाउनलोड कर लिया तो मैंने एक पब्लिक फोल्डर बनाया पब्लिक के अंदर मैंने एक इमेजेस बनाया एंड इमेजेस के अंदर मैंने डिफॉल्ट डॉट पी एन जी रख लिया ओके मैंने यहाँ पे पब्लिक फोल्डर ही क्यों बनाया आई टेल यू एन अ मोमेंट बट ओके सो एक पब्लिक फोल्डर के अंदर एक इमेजेस है जिसके अंदर मैंने डिफॉल्ट डॉट पी एन जी को स्टोर कर लिया सो आई कैन से डिफॉल्ट ठीक है तो अगर यूजर नहीं देता तो मैं यहाँ का पा दूंगा दैट इज स्लैश इमेजेस Slash default dot png okay so this part is also good and user user profile में और क्या हम रख सकते हैं I think this is good like एक role okay so role is important so role होगा type of अब यहाँ पर role का type क्या होना चाहिए so role is always a type of enum so यहाँ पे what you can do you can say like type is string right and यहाँ पर हम एक enum दे सकते हैं we can give a property that is enum so enum is like array so like for example अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ user एंड आई से एडब में तो इसका मतलब है दैट इन दोनों के अलावा और कोई वैल्यू हम असाइन नहीं कर सकते ओके सो डिफ़ॉल्ट देते हैं सो डिफॉल्ट विल बी यूजर तो यानी कि अगर मैं इन दोनों के अलावा कोई और वैल्यू देने का असाइन करूँगा तो मंगूज एक एरर थ्रो करेगा सो दिस पार्ट इज ऑल्सो गुड राइट एंड फाइनली हम क्या कर सकते हैं हमें एक मॉडल का जरूरत है सो कैंड से मॉडल तो यहाँ पर आई कैन इम्पोर्ट अ मॉडल एज वेल ठीक है तो मॉडल तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कॉस्ट यूजर इक्वल्स टू मॉडल तो मॉडल का नेम क्या होगा यूजर एंड इसमें हम क्या करेंगे यूजर स्कीमा पास कर देंगे राइट एंड फाइनली हम क्या बोल सकते हैं आई कैन से दैट मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स यूजर तो ये है हमारा यूजर मॉडल ओके सो दिस इज यूजर मॉडल ना यहाँ पर मैंने एक बात बोली थी दैट हम यहाँ पर सॉल्ट एंड पासवर्ड का भी करने वाले हैं सो so, हम मोंगूस के अंदर क्या कर सकते हैं वी कैन यू समथिंग कि यार इसको सेव करने से पहले क्या करो ओके लेट मी शो यू वॉट दैट मीन्स सो यू कैन से मोंगूज सेव प्री ओके एग्जाम्पल प्री सेव एग्जाम्पल सो यू कैन गो टू दिस मोंगोज डॉक्यूमेंटेशन तो इसमें अगर हम नीचे जाते हैं सो यू कैन सी दिस थिंग राइट सो यू कैन सी दिस थिंग दैट अगर हम यहाँ पर प्री सेव में जाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है सो आई कैन से दैट स्कीमा डॉट प्री सो आई एल से यार जब भी तुम यूज़र स्कीमा में ठीक है यहाँ पर मैं बोलूँगा यूज़र स्कीमा डॉट प्री तो यानी कि जब भी तुम इसको सेव करने लगोगे जब भी तुम इस यूज़र को सेव करने लगोगे तो हमारे पास यहाँ पर एक नेक्स्ट फंक्शन आएगा विच इज़ ओके राइट right? तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं समसिंग दैट यूजर स्कीमा डॉट प्री सेव तो जब भी तुम सेव करोगे तो मैं क्या करूँगा मैं पहले एक काम करूंगा यूजर को लूंगा दैट इज दिस ओके तो ये दिस बेसिकली इज पॉइंटिंग टू द करंट यूजर ओके सो दिस डॉट यू कैन सी लाइक यहाँ पर सो दिस इज द करंट यूजर ओके ओके ना यहाँ पर एक पॉइंट है दैट यू आर यूजिंग एन एरो फंक्शन ओके सो यू हैव टू वेरी कॉशियस सो यहाँ पर हमें क्या करना है हमें यहाँ पर नॉर्मल फंक्शन यूज करना है बिकॉज यू नो इन एरो ओ फंक्शन हाउ दिस की वर्ड्स वर्क ओके इफ़ यर नॉट शोर की फंक्शन क्यों लिखा हमने हमने यहाँ पे आर फंक्शन क्यों नहीं यूज़ किया सो यू कैन वॉच माय जावास्क्रिप्ट सीरीज जहां पर हमने इस चीज़ के बारे में डिटेल में बात की सो एज ऑफ नो यू हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन तो इसमें दिस बेसिकली इज पॉइंटिंग टू द यूजर ठीक है तो ये यूजर की तरफ पॉइंट कर रहा है नो हेयर वॉट यू हैव टू डू ओके सो यहाँ पे हमें क्या करना है सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे दैट अगर यूजर मॉडिफाई ही नहीं हुआ इफ़ नॉट यूजर डॉट इस मॉडिफाइड ठीक है यानी कि अगर यूजर के अंदर कुछ मॉडिफाई ही नहीं हुआ कौन सा पास सो आई कैन से पासवर्ड तो अगर पासवर्ड मॉडिफाइड ही नहीं है आई कैन जस्ट से रिटर्न ओके सो लेटर से तुमने यूजर को कुछ चेंज किया है ये पर, ये पर्टिकुलर पास मॉडिफाइड नहीं हो रहा है सो यू कैन जस्ट रिटर्न इट एक ओके अब यहाँ पर हम क्या करेंगे हम यूजर का जो यूजर ने पासवर्ड दिया है ठीक है जो भी हमें यूजर की तरफ से पासवर्ड दिया गया हम उसको पहले क्रिप्ट uh, करेंगे ओके okay? हम उसको हैश करेंगे सो so, हैशिंग के लिए वॉट वी कैन डू इज वी कैन यूज अ बिल्ट इन पैकेज दैट इज नोन एज क्रिप्टो सो आई कैन से क्रिप्टो हैश सो क्रिप्टो हैश सो यू कैन गो टू दिस नोट जेस तो यहाँ पर क्रिप्टो हैश नोट जेस सो क्रिप्टो इज़ अ बिल्ट इन पैकेज ओके जिसको हम यूज करने वाले हैं सो इफ आई गो डाउन यू कैन सी क्रिएट एच मार्क राइट सो यू कैन क्लिक ऑन दिस थिंग तो ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पर तुम पर्टिकुलरली एक चीज़ को हैश कर सकते हो ओके यू कैन हैश अ पासवर्ड सो दिस इज द एग्जाम्पल सो वॉट यू कैन डू इज पहले हम इसको इम्पोर्ट कर सकते हैं राइट सो आई कैन से इम्पोर्ट सो यहाँ पर हम करेंगे इम्पोर्ट सो यहाँ पर लिखते हैं सो कॉन्स्ट क्रिएट एच मैक फ्रॉ फिर उसके बाद हम यहाँ पे बोलेंगे रिक्वायर ठीक है सो रिक्वायर एंड नोट क्रिप्टो तो ये क्या ये एक बिल्टिन पैकेज है उसके ओके okay, इसको, इसको इंस्टॉल करने की जरूरत है यू कैन इवन राइट क्रिप्टो तो एक क्रिप्टो क्या है ये एक बिल्ट इन पैकेज है तो so, इसमें हमारे पास एक होता है क्रिएट एच मैक ओके तो ये क्रिएट एच मैक बेसिकली क्या करता है ये तुम्हारे पासवर्ड को हैश करने का काम करता है ओके okay? ना ये जो पर्टिकुलर सीक्रेट है राइट दिस पर्टिकुलर सीक्रेट कैन ईवन भी जनरेटेड सो आई कैन से दैट आई कैन से लाइक रैंडम बाइट्स ओके तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा दैट पहले हम एक सॉल्ट बनाएंगे ओके okay? एक यूजर के लिए एक सॉल्ट बनाएंगे दैट इज रैंडम बाइट्स लेटेस्ट से हमारा जो साइज होने वाला है वो होने वाला सिक्सटीन ओके okay? वो होने वाला सिक्सटीन एंड उसको हम बोल देंगे टू स्ट्रिंग तो ये मैंने कहा कि एक सॉल्ट बनाया सॉल्ट क्या होता है एक रैंडम स्ट्रिंग्स है ओके okay? उसके बाद हम क्या करेंगे हम हम पासवर्ड का एक हैश बनाएँगे ओके हैश्ड पासवर्ड सो हैश्ड पासवर्ड कैसे बनेगा सॉल so, से कि एक काम करो क्रिएट एच मार्क ओके जस्ट लाइक दिस एग्जाम्पल सो so, अगर यहाँ पे तुम स्क्रॉल अप करते हो सो वेर इज दैट डाट एग्जाम्पल सो क्रिएट एच मैक ओके तो सबसे पहले होता है अलगोरिदम कौन से अलगोरिदम यूज़ करनी है सर एल से एच एस से टू फिफ्टी सिक्स अलगोरिदम यूज़ करना है फिर वो बोलेगा मुझे की दो किस की को यूज़ करके ओके okay, किस की को यूज़ करके तुम इसको आ, हैश करना चाहते हो तो मैं यहाँ पर ये वाला पर्टिकुलर सॉल्ट पास कर दूंगा ओके okay, उसके बाद हम क्या करेंगे हम बोलेंगे उसमें एक फंक्शन होता है अपडेट किस चीज़ को अपडेट करना है तो मैं बोलूंगा कि जो भी यूजर का पासवर्ड है ओके जो भी यूजर का प्लेन पासवर्ड है एंड देन आई एल से डाइजेस्ट एंड गिव इट टू मी इन अक्स फॉर्म तो ये पर्टिकुलर चीज क्या करेगी पहले हम क्या करेंगे हर यूज़र के लिए एक सॉल्ट बनाएंगे ठीक है इट्स लाइक अ सीक्रेट की लाइक हर यूज़र की अपने अपने एक रैंडम सिक्सटीन डिजिट्स की की होने वाली है उस की को यूज़ करके हम उसको सॉल्ट करेंगे पासवर्ड को एंड फिर हम क्या करेंगे हम यहाँ पर फाइनली यूजर का जो ऑब्जेक्ट है वो अपडेट कर देंगे कल से दैट दिस ठीक है तो दिस डॉट सॉल्ट इक्वल्स सॉल्ट और फिर हम बोलेंगे दिस डॉट पासवर्ड इक्वल्स टू दिस हैश्ड पासवर्ड ठीक है तो मैंने बेसिकली क्या किया उसका जो ओरिजिनल पासवर्ड था वो मैंने रिप्लेस कर दिया एंड वी कैन कॉल द नेक्स्ट फंक्शन ठीक है तो ये नेक्स्ट फंक्शन फंक्शन बेसिकली खुद ब खुद चीज़ें हैंडल uh, कर लेगा तो क्या होगा बेसिकली जब भी हम यूजर को सेव करने का ट्राई करेंगे तो पहले ये वाला फंक्शन रन करेगा तो ये फंक्शन उसके पासवर्ड को हैश कर देगा ओके सो लेट्स डू वन थिंग लेट्स गो टू आर राउट्स ठीक है तो एक काम हैं, करते हैं इसका राउट्स एंड मॉडल्स वगैरह बनाना शुरू करते हैं देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड दैट वाट्स हैपनिंग ओके सो व्यूज़ के अंदर पहले मुझे एक साइन अप पेज भी चाहिए होगा सो लेट्स डू वन थिंग लेट्स स्टार्ट विद द राउटर तो यहाँ पर हम एक राउटर बनाएंगे यूजर डॉट जी एस ओके सो यहाँ पे आए से कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल्स रिक्वायर क्वायर एक्सप्रेस राइट एंड आई कैन जस्ट से दैट मुझे क्या रिक्वायर करना है मुझे इसमें से बस सिर्फ राउटर को रिक्वायर करना है करेक्ट नाउ आई कैन से दैट कॉस्ट राउटर इक्वल्स राउटर ठीक है तो मेरा राउटर बन चुका है एंड डोंट फोरगेट टू एक्सपोर्ट सो आई सॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स राउटर ओके नॉ जस्ट टू कीप थिंग्स सिंपल मैं कंट्रोलर्स को डिलीट कर देता हूँ ओके okay? तो हम यहाँ यहीं पर ही कोड रखेंगे पूरा जस्ट टू कीप थिंग्स सिंपल क्योंकि मैं जितना ज़्यादा सेग्रीगेट करूँगा वीडियो परस्पेक्टिव से वो उतना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है सो डोंट वरी सोल से राउटर डॉट गेट ठीक है तो पहले गेट राउट को करते हैं तो अगर तुम स्लैश यूजर स्लैश साइन इन के ऊपर एक रिक्वेस्ट करोगे सो आई आई कैन आई आई शुड रिमूव दैट स्लैश यूजर तो अगर तुम स्लैश साइन इन के ऊपर एक गेट रिक्वेस्ट करोगे तो मैं क्या करूँगा सो आई हैव रिक्वेस्ट आई आई हैव रिस्पॉन्स एंड मैं बोलूँगा रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट रेंडर डॉट रेंडर क्या रेंडर करना है हमें रेंडर करना है साइन इन पेज ओके तो मैं साइन इन पेज को रेंडर कर दूंगा ओके okay? सिमिलरली अगर तुम यहाँ पर एक राउटर डॉट गेट करोगे ओके सो आई कैन से राउटर डॉट गेट सो साइन अप तो साइन अप के ऊपर वॉट आई डू आई जस्ट रेंडर दी साइन अप पेज ठीक है तो ये हमारे दो पेजेस होने वाले हैं एंड उसके बाद हमें क्या करना है हमें एक पोस्ट आउट चाहिए सो राउटर डॉट पोस्ट अगर तुम स्लैश साइन इन के ऊपर रिक्वेस्ट करोगे तो हमें बेसिकली यूज़र को साइन इन करना है लेकिन पहले साइनअप को हैंडल करते हैं सो साइन अप तो साइनअप में तुम्हारे पास एक रिक्वेस्ट होगा एक रिस्पॉन्स होगा सो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स तो अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है हमें बेसिकली यूज़र की जो प्रोफाइल है वो हमें फ्रंट एंड से मिलेगी सो so यहाँ पर आई विल से दैट कॉन्स्ट समथिंग इक्वल्स रिक्वेस्ट डॉट बॉडी तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में मुझे एक तो तुम फुल नेम दोगे राइट फुल नेम यू विल गिव मी एन ई मेल एंड यू विल गिव मी अ पासवर्ड करेक्ट एंड यहाँ पर हम क्या सकते? यहां पर हम कर सकते हैं यहाँ पर हम इम्पोर्ट कर सकते हैं सो कॉन्स्ट यूजर इक्वल्स रिक्वायर ठीक है तो यूजर मॉडल को हम यहाँ पर रिक्वायर कर सकते हैं सो मॉडल्स स्लैश यूजर राइट तो यहाँ पर आई कैन से दैट अवेट ठीक है सो अवेट यूज कर रहे हैं सो वी यूज दिस ए सिंक सो ए सिंक राइट अवेट यूजर डॉट इन डॉट क्रिएट ठीक है तो हम क्रिएट कर रहे हैं तो so, क्या क्रिएट करना है तो यूज़र का वॉट आई एल डू आई एल जस्ट गिव द फुल नेम आई एल गिव द ई मेल और मैं क्या करूँगा मैं पासवर्ड दे दूँगा एंड प्रोफाइल फोटो के लिए हमें बेसिकली वो फाइल अपलोडिंग वाला हैंडल करना होगा यूजिंग मल्टर तो वो हम थोड़ी देर बाद करेंगे एंड वंस द यूज़र इज़ क्रिएटेड ठीक है अगर यूज़र क्रिएट हो जाता है तो हम क्या करेंगे हम रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट हम उसको रीडायरेक्ट कर देंगे होम पेज के ऊपर ठीक है अभी के लिए बस इतना ही तो हम क्या बोल रहे हैं दैट जब तुम साइनअप कर लोगे तो मैं तुम्हें रीडायरेक्ट कर दूँगा वापस से होम पेज के ऊपर तो एक काम करते हैं लेट्स गो टू दिस पर्टिकुलर थिंग ठीक है तो व्यूज़ के अंदर एक पेज बनाते हैं साइन अप सो साइन अप डॉट ई तो पहले तो बिल्कुल सिंपल है आई हैव टू जस्ट कॉपी दिस थिंग ठीक है तो यहाँ पे हम पेज कर लेते हैं होम पेज की जगह हम लिखेंगे साइन अप ओके तो यहाँ पे हमारा नाविगेशन बार है नीचे मेरी स्क्रिप्ट है तो यहाँ पर एक डिफ ठीक है डिफ को क्लास देते हैं कंटेनर कंटेनर सो so, कंटेनर के अंदर हमारे पास एक फॉर्म होगा ठीक है तो वो फॉर्म हमें कहाँ से मिलेगा तो यहाँ पे सर्च करेंगे बुक शॉप में सो फॉर्म सो फॉर्म्स देखते हैं दैट अगर हम नीचे जाते हैं तो इस तरह का ही फॉर्म चाहिए राइट हमें uh, इस तरह का ही फॉर्म चाहिए तो उसको कॉपी कर लेते हैं कॉपी एंड यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे राइट तो अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो पहले हमारे पास ई एड्रेस है एक काम करते हैं इसको स्टार्ट कर लेते हैं सो एन पी एम रन डेव ठीक है सो एन पी एम रन डेव किया सो so, यहाँ पर अगर रिफ्रेश करते हैं सो आई गो टू स्लैश साइन अप स्लैश साइन अप तो वो वर्क नहीं करेगा बिकॉज हमने उस राउट को रजिस्टर ही नहीं किया तो इंडेक्स और जी एस पी चलते हैं वापस से एंड यहाँ पर हम अपने राउट्स को इम्पोर्ट कर लेते हैं सो कॉस्ट यूजर राउट ओके यूजर राउट इक्वल्स रिक्वायर डॉट स्लैश राउट्स स्लैश यूजर ठीक है तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा मैं यहाँ पे बोलूँगा दैट आप डॉट यूज ठीक है अगर कोई भी रिक्वेस्ट स्लैश यूजर से स्टार्ट होती है तो उसके लिए यूजर राउटर को यूज़ करो डन सो यहाँ पर हमारे पास एक पेज होगा दैट इज़ स्लैश यूजर स्लैश साइन अप तो यहाँ पर हमारे पास एक एरर आया दैट फेल टू लुक अप दी साइन अप ओके तो हमने स्पेलिंग मिस्टेक किया तो so, यहाँ पर हमारे पास एक स्पेलिंग मिस्टेक है सो दिस शुड बी साइन अप राइट साइन अप सो रिफ्रेश करते हैं सो नाउ यू कैन सी दैट हमारा एक साइन अप पेज रेंडर हो रहा है सो so, इसमें हमारे पास एक फील्ड मिसिंग है दैट इज़ फुल नेम तो उसको भी ऐड कर लेते हैं ओके सो साइन अप डॉट ई जे एस सो क्लास कंटेनर मार्जिन टॉप देते हैं फोर का सो मार्जिन टॉप ऑफ फोर राइट ग्रेट एंड लेट मी मीज व लिटल बिट सो मार्जिन टॉप आ चुका है यहाँ पर ओके एंड यहाँ पर हमें एक पर्टिकुलर फील्ड uh, और चाहिए तो उसको कॉपी कर लेते हैं इस फील्ड को सो डिफ राइट एंड ये वाला डिव तो इसको कॉपी एंड इसके ऊपर पेस्ट तो इसमें पहले तो ये वाला डिव हटा देते हैं हेल्प का सो so यहाँ पर वॉट आई एल डू आई एल से फुल नेम ओके सो फुल नेम एंड इसको हम नाम क्या देंगे टाइप इज़ टेक्स्ट ओके एंड इसका नेम नहीं है ओके एनी हाउ तो रिफ़्रेश करते हैं सो आई एम गेटिंग फुल नेम ई मेल एंड पासवर्ड ओके सो चेक मी आउट ऑल्सो तो चेक मी आउट हमें नहीं चाहिए सो आई कैन जस्ट रिमूव दिस चेक मी आउट ठीक है सो डन एंड रिफ्रेश ठीक है गुड तो so, एक काम करते हैं इसको अब नेम्स देते हैं ठीक है तो हमारे पास यहाँ पर नेम्स नहीं है तो so, यहाँ पर हमारे पास एक नेम होगा सो so, इसका नेम क्या होने वाला है नेम होगा फुल नेम ठीक है तो इसको भी चेंज करते हैं तो आईडी भी इसको फुल नेम दे देते हैं इसको भी हम फुल नेम देंगे राइट एंड दिस इज़ ऑल्सो फुल नेम डन उसके बाद इसका भी हमें एक नेम देना होगा तो नेम विल बी ई मेल राइट सो दिस इज गुड एंड नीचे चलते हैं एंड इसको हम नेम देंगे तो इसको नेम हम देंगे पासवर्ड पासवर्ड ओके इस फॉर्म को हमें एक्शन एंड वो भी देना है तो एक्शन क्या होने वाला है तो एक्शन होगा स्लैश यूजर स्लैश यूजर स्लैश साइन अप एंड मेथड क्या होने वाला है मेथड होने वाला है पोस्ट पोस्ट राइट तो एक काम करते हैं इसको हम टेस्ट करते हैं पोस्ट विद लोअर केस या तो उसको एक बार सर्वर को मैं रीस्टार्ट करता हूँ एंड आई जस्ट डू अ रिफ्रेश ठीक है लेकिन हमने मोंगो डी तो कनेक्ट ही नहीं किया वी और गॉट टू कनेक्ट डी मोंगो डी राइट तो मोंगो डीबी को भी कनेक्ट कर लेते हैं सो इंडेक्स डॉट जी एस सो मोंगूस को पहले यहाँ पर रिक्वायर कर लेते हैं सो कॉस्ट मोंगूस इक्वल्स रिक्वायर मोंगूस ठीक है मोंगूस तो हम क्या करेंगे हम यहाँ पर मोंगूस को कनेक्ट करेंगे सर से मोंगूस डॉट कनेक्ट तो यहाँ पर हमें अपना यू देना है सो मोंगो डी बी स्लैश स्लैश लोकल होस्ट स्लैश सो वॉट वॉज द पोर्ट ऑफ मोंगो डी बी तो वो उसके लिए हमें अपना टर्मिनल ऑन करना होगा सो so, टर्मिनल सो so, टर्मिनल में हम लिखते हैं मोंगो एस एच तो जैसे मैं मोंगो एस एच लिखूँगा सो द पोर्ट एस टू सेवन जीरो वन सेवन तो इसको कॉपी कर लेते हैं एंड उसके बाद हम अपने यू हम अपने डेटा बेस का नाम क्या दे सकते हैं हम बोल दे सकते हैं ब्लॉगीफाई ओके सो ब्लॉगीफाई डॉट देन डॉट देन के अंदर हम क्या करेंगे कंसोल डॉट लॉग मोंगो डी बी कनेक्टेड राइट ओके सो जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ यू कैन सी दैट मोंगो डी बी इज़ कनेक्टेड राइट तो एक काम करते हैं यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं so, पर, uh, I'll say, तो यहाँ पर आई सही तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे हम यहाँ पर बोलेंगे शो डी बी एस ठीक है तो जूम इन करते हैं सो शो डी बी एस के अंदर यू कैन सी दैट हमारे पास एक ब्लॉगीफाई आ रहा है सो दिस इज़ ब्लॉगीफाई सो आई सी यूज़ ब्लॉगीफाई ओके तो यहाँ पर अगर हम बोलते हैं शो कलेक्शंस सो so हमारे पास एक यूज़र कलेक्शन है विच इज़ गुड राइट तो यहाँ पर काम करते हैं यहाँ पर आए से पीयूष गर्ग तो अभी हमारे पास कोई यूज़र नहीं होगा राइट इफ आई से डी बी डॉट यूज़र्स डॉट फाइंड मैनी लाइट फाइंड मैनी एंड फाइंड मैनी के अंदर हम एंटर करेंगे नॉट फाइंड मैनी जस्ट ई फाइंड राइट सो फाइंड सो यू कैन सी अभी हमारे पास कोई भी यूज़र नहीं है तो पीयूष कर ई मेल एड्रेस पियूष गर्ग डॉट डेव एट जी मेल डॉट कॉम अब पासवर्ड देखता मैं क्या दूंगा मैं पासवर्ड दूंगा दैट एट आई गिव पी आई वाई यू एस एच एट द रेट वन टू थ्री ठीक है सो मैं अपना पासवर्ड दूंगा पी आई वाई यू एस एच एट द वन टू थ्री जैसे मैं सबमिट करूंगा वी गॉट एन एरर ओके सो वी गॉट एन एरर सो लेट अस सी व्हाट इज द एरर सो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर फुल नेम अनडिफाइंड राइट डू यू नो वाई बिकॉज हम फॉर्म डेटा को हैंडल कर रहे हैं एंड हमने यहाँ पर उसका मिडलवेयर नहीं लगाया आप डॉट यूज सो एक्सप्रेस डॉट सो एक्सप्रेस डॉट यू आर एल इनकोडेड राइट सो एक्सटेंडेड फॉल्स तो इसका मतलब के दैट हम हम बेसिकली क्या कर रहे थे हमें फॉर्म डेटा को हैंडल करना है सो वी नीड टू हैव दिस तो उसको रिफ्रेश करके एंटर करते हैं आ नाउ वी गॉट अ डिफरेंट एरर ओके तो ये बोल रहा है दैट पाथ सॉल्ट इज रिक्वायर्ड ठीक है तो हम ये बेसिकली बोल रहे हैं दैट तुम सॉल्ट नहीं दे रहे ओके यू आर नॉट गिविंग द सॉल्ट अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि जो सॉल्ट है ना वो हमारा ऑन द गो अपने अप कैल्कुलेट होगा करेक्ट तो एक काम करते हैं हम सॉल्ट के ऊपर से रिक्वायर्ड हटा देते हैं ओके सो आई कैन जस्ट से दैट रिक्वायर्ड हटा देते हैं सो so, अब ये रिफ्रेश होगा लेट अस डू अ कंट्रोल आर तो जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो हमारा आ, सेव हुआ तो एक काम करते हैं है डी बी डॉट यूजर्स डॉट फाइन के ऊपर एक क्वेरी करते हैं तो जैसे ही मैंने यहाँ पर एक क्वेरी किया यू कैन सी दैट दिस इज़ द आउटपुट तो ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर एक सॉल्ट बना जिसको हम रीड नहीं कर सकते विच इज़ ओके एंड हमारा यहाँ पर एक पासवर्ड जनरेट हुआ जो कि एक बहुत ही अजीब सी फॉर्म में है राइट बहुत ही अजीब सी फॉर्म में है तो बेसिकली अगर इस पासवर्ड को मुझे इस पासवर्ड को हम दोबारा टेक्स्ट में तो कन्वर्ट कर नहीं सकते तो दिस इज़ सिक्योरिटी बिकॉज हम बोलते हैं पासवर्ड्स को हमेशा हैश करके रखो विच इज़ अ गुड थिंग सो यहाँ पर अगर मुझे यूज़र का पासवर्ड दोबारा से मैच करना है तो जब भी वो लॉग इन करने का ट्राई करेगा तो मैं क्या करूँगा मैं सॉल्ट को लूँगा और उसके पासवर्ड को हैश करके देखूंगा क्या उसके हैशेज़ मैच हो रहे हैं मतलब कि तुम हैश चीज़ को वापस से टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ हैशिंग ओके तो हमने हैशिंग कैसे की थी तो मैंने बोला था कि जब भी तुम इसको सेव करोगे ना तो तुम पहले एक सॉल्ट जनरेट करो तो हमने एक सॉल्ट जनरेट किया राइट right? उसके बाद हमने क्या किया उसको हैश कर दिया यूजिंग दिस पर्टिकुलर सॉल्ट एंड दैट इज़ हाउ वी डिड इट राइट तो हमारा जो साइन अप है वो तो परफेक्टली वर्क कर रहा है तो अब एक काम करते हैं साइन इन को भी वर्क कर लेते हैं राइट तो साइन इन कैसे काम करने वाला है सो so, पहले हमारे पास क्या होगा एक राउटर डॉट पोस्ट राउट होगा सो so, एक पोस्ट दैट इज़ स्लैश साइन इन ठीक है तो साइन इन में क्या होगा सो स्लैश साइन इन अब देखो साइन इन में क्या होने वाला है आई एल डू एन ए सिंक ठीक है तो ए सिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स अब साइन इन के टाइम पे क्या होगा यूजर हमें ई मेल और पासवर्ड देगा करेक्ट हमें यूज़र क्या देगा ई मेल और पासवर्ड हमें क्या करना होगा पहले यूज़र को ई मेल से फाइंड करना होगा उसके सॉल्ट को यूज़ करके इस पर्टिकुलर पासवर्ड को भी हैश करना होगा एंड दोनों के हैशेस को हमें मैच करना होगा तो ये हम कैसे कर सकते हैं सो आई कैन से दैट हम एक वर्चुअल फंक्शन बना सकते हैं ओके सो आई कैन डू अ वर्चुअल फंक्शन सो यू कैन जस्ट सर्च फॉर मोंगूस वर्चुअल फंक्शन सो वर्चुअल फंक्शन ओके तो जैसे तुम ये सर्च करोगे यू कैन गो टू दिस मोंगोज वर्चुअल्स सो यू कैन वॉट यू कैन डू इज़ यू कैन से लाइक यू नो वर्चुअल डोमेन वर्चुअल तुम यहाँ पर एक फंक्शन बना सकते हो सो यू कैन सी सो हे इज़ ए थिंग सो यू वॉट यू कैन डू इज़ हम यहाँ पर एक ख़ुद का एक फंक्शन बना सकते हैं ओके okay? तो so, हम बट उस पर्टिकुलर स्कीमा के ऊपर एक फंक्शन बना सकते हैं सो फॉर एक्जाम्पल आई कैन से दैट हम यूज़र मॉडल में जाएंगे तो so, मैं यहाँ पर क्या करूँगा मैं यहाँ पर बोलूंगा दैट यूज़र स्कीमा डॉट ओके सो यू कैन सी स्टैटिक ओके सो स्टैटिक तो स्टैटिक के अंदर हम एक फंक्शन का नाम देंगे तो हम बोलेंगे मैच पासवर्ड ओके मैच पासवर्ड तो यहाँ पर हम अपना एक फंक्शन की बॉडी देंगे ओके सो एल से फंक्शन ठीक है सो फंक्शन तो इसमें यूज़र क्या करेगा मुझे बेसिकली यूज़र की ई और यूज़र का पासवर्ड मुझे देगा ओके okay, यूज़र का पासवर्ड मुझे देगा एंड इन फैक्ट आई डोंट इवन नीड यू नो सो यूज़र मुझे ई और पासवर्ड देगा करेक्ट ना वट आई विल डू तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हम यूज़र को फाइंड करेंगे करेक्ट सो दिस इज़ अ फंक्शन नॉर्मल फंक्शन तो पहले मैं बोलूँगा दैट कॉन्स्ट यूज़र इक्वल्स दिस डॉट फाइंड वन ठीक है तो फाइंड वन करेंगे जहाँ पर ई मेल ही होगी अगर तो हमें यूज़र ही नहीं मिला इफ़ नो यूज़र तो हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे फॉल्स तो यानि कि पासवर्ड या फिर कुछ भी मैच नहीं हुआ ओके समथिंग इज़ रॉन्ग नहीं तो हम क्या करेंगे हम पहले यूज़र का सॉल्ट लेंगे तो सॉल्ट ठीक है तो यूज़र डॉट सॉल्ट ठीक है उसके बाद हम देखेंगे उसका हैश्ड पासवर्ड क्या है सो हैश्ड पासवर्ड ठीक है तो वो कहाँ से मिलेगा यूजर डॉट पासवर्ड सो यूज़र डॉट पासवर्ड अब हमें क्या करना है हमें उसका जो नया पासवर्ड है जो यूज़र ने अभी हमें पासवर्ड दिया उसको हम हैश करेंगे दोबारा से सॉल से कॉस्ट यूज़र प्रोवाइडेड हैश ठीक है तो वो हम कैसे कर सकते हैं सेम फंक्शन तो हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करेंगे तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे हम यूज़र का सॉल्ट पास करेंगे एंड जो यूज़र ने प्रोवाइड किया ना पासवर्ड हम उसको हैश करने का ट्राई करेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे हम यहाँ पे बस रिटर्न कर देंगे कि जो ऑलरेडी हैश्ड पासवर्ड है वो मैच कर जाना चाहिए यूज़र के प्रोवाइडेड हैश से तो इसका मतलब है यूज़र ने हमें सेम पासवर्ड दिया है करेक्ट तो ये हमारा हो गया सो तो यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं आई कैन सेव दैट यूज़र डॉट एंड उसके बाद मैच पासवर्ड तो हमारे पास यहाँ पर एक फंक्शन होना चाहिए मैच पासवर्ड सो कॉपी कर लेते हैं सो सोल जस्ट कॉपी दिस थिंग एंड आई विल जस्ट पेस्टेड हेयर ठीक है तो मैच पासवर्ड सो यू कैन सी हाउ वी कैन यूज दिस इज सो एज ए यूजर डॉट मैच पासवर्ड एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे ई मेल और पासवर्ड साइन कर देंगे राइट ई मेल और पासवर्ड तो ये हमें इन uh, रिटर्न क्या देगा ये हमें एक बुलियन देगा दैट इज़ मैचड ओके इज़ मैचड अगर तो वो मैच ही नहीं होता राइट या फिर एक काम करते हैं जब वो मैच हो जाता है ना तो हम रिटर्न करेंगे यूजर को तो यानी कि अगर वो मैच हो गया तो हम यूजर को रिटर्न कर देंगे बट यहाँ पर एक चीज़ है दैट हमें पासवर्ड रिटर्न नहीं करना चाहिए तो हम यूजर को रिटर्न कर देंगे पासवर्ड को हम कर देंगे अनडिफाइंड राइट एंड हम सॉल्ट को भी कर देंगे अनडिफाइंड तो बेसिकली हम क्या करेंगे अगर सही मैच हो जाता है तो हम एक यूजर ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे ओके एल्स वॉट वी कैन डू वी कैन इवन थ्रो यू नो एरर सो आई कैन से थ्रो ओके थ्रो न्यू एरर ओके एंड एरर सेंग दैट यूज़र नॉट फाउंड ओके यूजर नॉट फाउंड एंड यहां पर हम क्या करेंगे दैट इफ ओके इफ हैश पासवर्ड इज नॉट इक्वल टू इक्वल सो यूजर प्रोवाइडेड हैश तो यहां पर भी हम क्या कर सकते हैं थ्रो न्यू एडिट कर सकते हैं इनकरेक्ट पासवर्ड ओके सो थ्रो न्यू दैट इज इन करेक्ट पासवर्ड ओके एल्स हम क्या करेंगे हम यूजर ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देंगे राइट right? तो हमारे पास क्या आएगा यहां पर एक यूजर ऑब्जेक्ट आएगा अब यहाँ पर क्या होगा कि यूजर ऑब्जेक्ट आता है तो हम बेसिकली हम यहां पर अभी कंसोल डॉट लॉक कर सकते हैं सो कंसोल डॉट लॉक करेंगे यूजर को सो यूज़र ठीक है एंड अभी के लिए अभी के लिए हम बस उसको रिडेक्ट कर देंगे हम उसको रिडेक्ट कर देंगे स्लैश पे ओके सो वी जस्ट वांट टू टेस्ट की ये फेवरी इज वर्किंग गुड तो एक काम करते हैं साइन इन पेज को भी बना लेते हैं सो so, अप जैसे हमारे पास यहाँ पर एक अप है वैसे हमारे पास एक साइन इन डॉट ई जी होगा तो साइनअप पेज को भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं सो साइन इन में मैंने कॉपी पेस्ट किया तो so, बेसिकली बस साइन इन में डिफरेंस क्या रहेगा दैट हमें फुल नेम की जरूरत नहीं है राइट right? हमें फुल नेम की जरूरत नहीं है एंड हम यहाँ पर पेज का टाइटल देंगे साइन इन ओके एंड यहाँ पर जो हमारा ये एक्शन है वो चेंज हो जाएगा तो एक्शन क्या हो जाएगा एक्शन हमारा हो जाएगा पोस्ट ऑन साइन इन ठीक है तो यहाँ पर हम साइन इन के ऊपर साइन इन के ऊपर रिक्वेस्ट करेंगे डन तो वापस चलते हैं रिफ्रेश करते हैं सोई विल गो टू स्लैश यूजर्स राइट स्लैश साइन इन नॉट यूजर्स जस्ट दी यूजर स्लैश साइन इन तो ये हमारा साइन इन पेज है तो एक काम करते हैं साइन इन करते हैं पहले मैं एक काम करूँगा मैं गलत पासवर्ड देता हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सबमिट करते हैं तो कुछ एरर आया ओके okay? कुछ एरर आया सो वॉट इज द एर ओके तो यहां पर यह क्या बोल रहा है दैट की मस्ट बी अ टाइप स्ट्रिंक लिक इन इंस्टेंस ऑफ एरे बफा ओके सो यहां पर बेसिकली क्या हुआ दैट ये जो हमारा फंक्शन है ना ये जो सॉल्ट है यूजर का ये अनडिफाइंड आया ओके फॉर सम रीजन दिस इज कमिंग टू बी अनडिफाइंड सो यहां पर द इशो इज दैट सम हाउ द सॉल्ट इज नॉट गेटिंग जनरेटेड ओके तो एक काम करते हैं एज ऑफ नाउ इसको हार्ड क्वर्क करते हैं ओके okay, इसको हार्ड कोर्क करते हैं सम रैंडम सॉल्ट इसको हम बाद में देखते हैं दैट हाउ वी कैन टैकल दिस तो एक काम करते हैं हमें अपने यूजर्स को डिलीट करना होगा सो आई कैन से डी बी डॉट यूज़र्स डॉट डिलीट मैनी एंड हम कोई भी कंडीशन नहीं देंगे तो क्या करेगा सभी को डिलीट कर देगा राइट right? तो दोबारा से साइन अप करते हैं सो आई से साइन अप ओके साइन अप तो साइन अप में पीयूष गर्क ओके सो पासवर्ड क्या होने वाला है मेरा पी आई वाई यू एस एच डैट सबमिट किया डन uh, दोबारा से इसको फाइंड करते हैं सो यू कैन सी दैट दिस इज़ माई सॉल्ट राइट अब हम इसको साइन इन करने का ट्राई करते हैं सो स्लैश यूजर्स स्श नॉट यूजर्स स्लैश साइन इन ठीक है सो पियूषकर डॉट डेव राइट एंड नवर सो आई कैन से पी आई वाई यू एस एच एच सो मैं गलत पासवर्ड दे रहा हूँ सबमिट करते हैं सो वी गॉट सम एर सो स्टिल वी आर गेटिंग सम एर ओके सो वी आर स्टिल गेटिंग दिस सेम एर तो देखते हैं प्रॉब्लम क्या हुआ तो हम मैच पासवर्ड में गए राइट आई गेस दैट ई मेल एंड पासवर्ड इज़ गोइंग करेक्ट ओके तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉक करके देख लेते हैं कंसोल डॉट लॉक ई मेल एंड द पासवर्ड तो एक बार रिफ्रेश करते हैं तो क्या ई मेल और पासवर्ड सही जा रहा है सो ई मेल एंड पासवर्ड तो सही तरीके से जा रहा है ओके okay, तो हम मैच पासवर्ड में जाएंगे सो मैच पासवर्ड हमें यहाँ मिलेगा सो मैच पासवर्ड में हमने बोला दिस डॉट फाइंड वन जहाँ पर ई मेल ये हो विच इज़ करेक्ट राइट सो so, uh, यहाँ पर लेट्स डू वन थिंग लेट्स यू अ कंसोल डॉट लॉग ऑन द यूजर इट सेल्फ ओकेट्स यू अ कंसोल डॉट लॉग ऑन द यूजर इट्सल्फ एंड ओके सो दैट इज़ द इशू हम यहाँ पर अवेट नहीं कर रहे ओके सो दिस इज एन ए सिंक रोड फंक्शन सो ए सिंक सो दिस वॉज द इशू सो हम यहाँ पर अवेट नहीं कर रहे थे तो so, दोबारा से हैंडल करते रिफ्रेश सो नाउ यू कैन सी दैट हमें यहाँ पर यूजर ऑब्जेक्ट मिल गया ओके सो दिस इज़ वर्किंग गुड करेक्ट सो दिस इज दिस थिंग इज़ वर्किंग गुड तो हमें यहाँ पर इनकरेक्ट पासवर्ड मिला यू कैन सी दी एरर दैट इज़ इनकरेक्ट पासवर्ड विच इज़ फाइन राइट एक काम करते हैं दोबारा से साइन इन करते हैं सो स्लैश यूजर स्लैश साइन इन ठीक है स्लैश यूजर स्लैश साइन इन हमारा ऐप क्रैश है सो वी नीड टू डू अ रिफ्रेश एंड लेट्स जस्ट रिमूव दिस थिंग ठीक है तो दोबारा से करते हैं सो ई मेल एड्रेस सही पासवर्ड देते हैं सो पी आई वाई यू एस एच सबमिट अगर मैं सही पासवर्ड दूंगा सो आई गेट दिस पर्टिकुलर थिंग विच इज़ गुड राइट सो ये पार्ट हमारा जो है बिल्कुल सही तरीके से सॉर्ट हो चुका है तो आई कैन रिवर्ट दिस चेंज ओके सो आई कैन जस्ट रिवर्ट दस चेंज आई कैन से दैट रैंडम बाइट्स ऑफ सिक्सटीन करेक्टर्स डॉट टू स्ट्रिंग तो ये हमारा सही से वर्क कर रहा था सो दिस इज़ अ गुड वे ऑफ यू नो जस्ट डी बगिंग थिंग्स ओके एंड आई कैन गो टू दिस यूज़र तो यहाँ पर हमें अवेट करना है एंड अवेट करने पर मुझे यहाँ पर यूज़र मिलेगा राइट right? तो so अगर मैं रिफ्रेश करके सो आई कैन गो टू स्लैश यूज़र दोबारा करते हैं स्लैश साइन इन ई मेल ओके एंड द पासवर्ड विल बी पी आई वाई यू एस एच एंटर किया सो यू कैन सी दैट आई एम गेटिंग दिस यूजर ऑब्जेक्ट एंड इसमें हम पर्टिकुलरली uh, इस यूजर को एंड इस पासवर्ड को हम नहीं दे रहे करेक्ट तो यहाँ पर एक्चुअली हमें स्लैश अंडर स्को डॉक को रिटर्न करना चाहिए सो वी शुड रिटर्न दैट यूजर डॉट अंडर स्कोर डॉक्यूमेंट राइट और मे बी वॉट आई कैन डू आई कैन जस्ट रिटर्न द यूज़र इट सेल्फ ओके आई कैन जस्ट रिटर्न द यूजर इट सेल्फ तो बैक uh, जाते हैं दोबारा से सबमिट करते हैं सो यूज़र इज़ कमिंग टू बी फाइन करेक्ट सो दिस पार्ट इज गुड सो दैट इज़ हाउ बेसिकली यू कैन स्टोर सो इस वीडियो में हमने देखा दैट हम साइन इन कैसे कर सकते हैं साइन अप कैसे कर सकते हैं दिस वीडियो इज़ ऑलरेडी रियली लॉन्ग हमने हैशिंग को सीखा दैट हाउ वी कैन हैश दी पासवर्ड विच इज़ अ गुड प्रैक्टिस बिकॉज अगर कल कोई डेटा को ब्रीच होता है या फिर हमारा जो डेटा बेस है वो लीक हो जाता है या हैक हो जाता है तो कभी भी हैकर को ओरिजिनल पासवर्ड पता नहीं लगेंगे ओके सो दिस अ गुड प्रैक्टिस टू ऑलवेज एन ऑलवेज हैश योर पासवर्ड सो नेक्स्ट वीडियो में हम ऑथेंटिकेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग टोकन्स एंड हम ब्लॉक के ऊपर वर्क करेंगे सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो दिस वीडियो इज़ क्वाइट लॉन्ग एनअफ सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अंटिल देन बाय बाय टेक केयर